उत्तराखंड के हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के रानी माजरा ग्राम पंचायत में सैकड़ों ग्रामीणों द्वारा टंकी पाइपलाइन निर्माण कार्य का विरोध किया गया है, जिसमें ग्रामीणों ने ठेकेदार जेई व एई पर मानकों के विरुद्ध कार्य किए जाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से शिकायत की है। ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार द्वारा रानी माजरा ग्राम पंचायत में हर घर जल योजना के तहत जो पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया गया है, जिसमें ठेकेदार द्वारा पूर्ण रूप से मानकों के विरुद्ध निर्माण कार्य किया गया है, इसका खामियाजा भोले भाले ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि पाइपलाइन को 1 मीटर गहराई में बिछाया जाना था, मगर ठेकेदार द्वारा जबरन उसे आधा मीटर से भी कम गहराई में बिछाया गया है। जहां पर पाइपलाइन बिछाने के लिए रोड व सड़कों को खोदा गया है, उसके पूर्व निर्माण में घटिया व मानकों से भी कम सामग्री मटेरियल का प्रयोग किया गया है, और जिस कारण वह साथ साथ क्षतिग्रस्त हो रही है। क्या नाम है आपका? दीपक चौहान। हमारे यहाँ लगभग 1.5 साल पहले काम स्टार्ट हुआ था, और इसमें इतनी त्रुटि आया कि ग्राम प्रधान ने इसमें बहुत ज्यादा शिकायत भी डाली। पाइपलाइन एक तो ऊपर डली हुई है, और दूसरा कहीं भी शिकायत करे कोई सुनवाई नहीं है इस मामले में। जितने भी कनेक्शन हुए हैं वो फर्जी तरीके से सब लीकेज है, कोई भी सही पूरे ढंग से तैयार नहीं है कुछ भी, बिल्कुल बीच में पड़ा हुआ मामला। और गांव वालों को इतनी दिक्कत होती है, हर जगह गड्ढे पानी भरा हुआ है, उससे बीमारी फैलती है, बहुत चीज़ें होती जा रही है। और ग्राम प्रधान ने इतनी कोशिश करने के बावजूद भी अब तक भी ग्राम प्रधान की कोई सुनवाई नहीं हो रही है कहीं पर भी। कल को मेरी लेबर आएगी, आती है आधा काम छोड़ चली जाती है बीच में, फिर उसको फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाती है। नहीं, जो खाड़ी थी अब तक कुछ उसमें कुछ काम पूरा नहीं हुआ अभी तक। इस तरह की दिक्कत, गड्ढे है, पानी भरा हुआ है, कहीं कहीं तो बोल लीकेज है, पानी चलता रहता है परमानेंट, जैसे कि मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको फिलहाल, अभी इस तरह की दिक्कत आती है। अच्छा, जिले के यहाँ पे एक एक प्रोग्राम था जिसमें सभी आला अधिकारी आए हुए थे, सभी विभाग से, समाज कल्याण सभी से थे, जे साहब भी यहीं पे थे, उनको दिखाया गया, लेकिन उसमें कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।